जय हिंद साथियों, इस टाइम की एक यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। एकदम एकदम मैं आपको जो है प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम के लिए काम चल रहा है। मतलब ये हुआ कि आपका जो री एग्जाम होगा ऑफलाइन, उसके लिए स्कूलों के लिए इंटरनल लेटर जो है वो सेंड करना स्टार्ट कर दिया है। एंड ये प्रक्रिया जो वो 30 अप्रैल से ही चालू है। अलग अलग विद्यालय जिनके अंदर, महाविद्यालय जिनके अंदर अटैच जो स्कूल होते हैं उनके अंदर भी ये लेटर जो है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया है। एंड पूछा जा चुका है कि देखिएगा यूपी पुलिस की जो भर्ती है वो ऑफलाइन तरीके से जो होने वाली है उसके लिए आपके कितने स्कूल जो खाली हैं। ये लेटर जो है ये 15 तारीख का है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। मतलब आप देखेंगे तो एकदम गुड न्यूज है। अब आपकी तैयारी कैसी है वो भगवान जाने, आप जाने। इंटरनल लेटर है ये, आपको हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे पास में है तो मैं आपको दिखा रहा हूं, हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ज्यादा चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, ये देख सकते हैं, ये इंटरनल लेटर है जो मेरे पास में आया हुआ है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको जो है वो बताने का प्रयास करूँगा। ये देखिएगा, ये जो लिखा गया है ये आपका प्रचार प्रचार प्रबंधक, एंड आप देख सकते हैं 15 मई 2024 को शीर्ष प्राथमिकता या समयबद्ध। मतलब ये हुआ कि ये जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के लिए जो है ये सेंड किया गया है। एंड यहाँ पर पुलिस के एग्जाम कराने से संबंधित यहाँ पर बातचीत कही गई है। देखिएगा क्या विषय लिखा गया है, ये आपको पता होता है शीर्ष प्राथमिकता। अगर आप नौकरी करते हैं विभाग में तो आपकी भी ड्यूटी जो होती है डाक में लगती है। वहाँ पर आप देखते होंगे वो लेटर जिनकी प्रायोरिटी बहुत फास्ट होती है, तो पता है उनको जो है प्राइवेट डाक जाती है। प्राइवेट डाक का मतलब हो गया कि आपको डाक दे दी जाएगी, आप कभी भी डाक घर में नहीं जाएंगे। उस कोई भी इमरजेंसी वाली तो उस पर स्पेशल लिखा रहता है शीर्ष प्राथमिकता के तौर पर इसको भेजा जाएगा। तो आपकी ड्यूटी होगी तो वहाँ से हटा करके आपको डाक के लिए भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो प्राथमिकता के तौर पर जल्दी पहुँचनी चाहिए। तो इसलिए ये जो डाक है, ये जो स्पीड है, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये प्राथमिकता के तौर पर भेजा गया लेटर है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों की लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों के संबंध में ये जानकारी जो है वहाँ को जो है प्राप्त की गई है। अब ये बताइए, अभी अभी जो नज़दीक आने वाला जो आपका ऑफलाइन पेपर है वो आपका 60244 यूपी पुलिस भर्ती का है, ना कि किसी अन्य का। आगे देखेगा, आगे लिखा है कि महोदय कृपया उपयुक्त विषयक विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुवाग 1 के पत्र संख्या 656 एंड आगे लिखा हुआ है दिनांक 14 मई 2024 को संपर्क उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या PRB SO3 2 मतलब 2023 दिनांक 30 अप्रैल 2024 की 6 प्रति संलग्न उसके साथ में थी का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों की लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के क्रम में विश्वविद्यालयों से समयबद्ध महाविद्यालयों से संबंधित कतिपय सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। आगे लिखा हुआ है कि इसी क्रम में विश्वविद्यालय से संबंध समस्त महाविद्यालयों के प्रचार प्राचार्य या प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार अपने अपने महाविद्यालय संबंधित सूचनाओं को अधोलिखित गूगल लिंक, ये जो गूगल लिंक बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, गूगल लिंक के माध्यम से प्रत्येक दिशा में 3 दिनों के अंदर पूरित करने का कष्ट करें, जिससे सूचनाएं संकलित करके शासन को प्रेषित की जा सके। गूगल का लिंक ये दे रखा है, संलग्न लगे साफ साफ। और ये कहाँ का देखिएगा, निम्नलिखित में से सूचना, ये जो इसकी जो ये कहाँ कहाँ इसकी प्रतिलिपि, इसकी दूसरी फोटोकॉपी कहाँ भेजी गई है, माननीय कुलपति जी विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग जनसंपर्क अधिकारी आगे प्रभारी वेबसाइट को भी जो है ये सेंड किया गया है। आगे संबंधित पत्रावली भी इसके साथ में भेजी गई है, यानी कुलपति साहब के यहाँ पर जो है वो साइन हो रहे हैं। ये आपको पता हुआ डेट ये 15 मई का है, इसका मतलब ये एक है, बाकी अन्य भी हैं। अगर आप कहेंगे तो अन्य भी जो है इसको मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी ये आपके सामने है। वैसे ही अदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट की मेरे पास में है, तो उसकी आप चिंता ना करिएगा। तो आप ये चाहेंगे कि ये जो भर्ती कराई जाएगी इसकी प्राथमिकता के तौर पर है। अब ये बताइएगा, आपका जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो 4 जून को आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा भैया खेला, उसके बाद होगा यूपी पुलिस का पेपर। तो आप ये कहें कि दिसंबर और नवंबर में होगा, सोच को थोड़ा साइड कर दीजिएगा। एंड आप ये देखिएगा, अगर पेपर 2 महीने 3 महीने में हो जाएगा, बताइएगा
मई चल रहा है, मान लीजिएगा जी 4 मई से 4 जून सीधा सीधा एक महीने का भी जो है वो समय नहीं बचा है, जैसे इलेक्शन हो जाएगा उसके तुरंत बाद पहली प्राथमिकता में ये इसी एग्जाम को करवा लिया जाएगा। तो आप ये मान के चलें कि आराम से आपका जुलाई, आप ये मान लीजिएगा जुलाई में एकदम आपका पेपर हो जाएगा एंड आपके एग्जाम के लिए और अच्छे तरीके से आपके नंबर आए, प्रैक्टिस लगातार आप लगाते रहें। उसके लिए देखिएगा इंटरनल नोटिस है, पेपर कब तक होगा बता दिया मैंने आपको भैया, जिस तरीके से काम चल रहा है उस तरह से आप मान लीजिएगा कि जुलाई में आराम से जो है पेपर की पूरी पूरी चीज़ें आपके सामने साफ होती हुई दिख जाएंगी। एग्जाम बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बताता हूँ, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है। आपको पता होगा कि विवेक सर यानी एग्जाम पोर महाक्रांति बैच, आपको पता होगा विवेक सर के द्वारा आपको यूपी पुलिस के रीएग्जाम के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको पता होगा वॉल्यूम 2 में 10 प्रैक्टिस सेट का एक जोड़ा होता है जिसमें कि आपको 111 रुपये के अंदर आपको क्या करना होता है कि जो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस एप्लीकेशन से ही आपको इनको एक जो आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं उनके लिए अप्लाई करना होता है। इनका जो कीमत होता है वो आपके लिए कितना होता है 111 रुपये होता है, यानी कि एक्सटेंड कर दिया ये ऑफर, पहले 14 तक था उसके बाद में 21 मई से पहले आप करेंगे तो 111 रुपये में ये आपको जो 10 प्रैक्टिस सेट है वो आपके घर पर, कोरियर चार्ज नहीं है, शिपिंग चार्ज नहीं है, सिर्फ 111 रुपये के अंदर ये आपके घर पर पहुंच जाएंगे। एंड साथ ही में आपको महाक्रांति बैच जो इनका ऑनलाइन रहेगा एप्लीकेशन पर रहेगा उसमें भी आपको 111 रुपये में ही यहाँ पर भी जो है वो फ्री बैच, पेड बैच जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ये रहा कि प्रैक्टिस सेट में अगर आपको कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो वो आप पेड बैच में जाकर के जो कि आपने देखो डबल काम किया, 111 रुपये में आपको ये 10 प्रैक्टिस सेट मिल गए साथ ही में पेड बैच भी मिल गया, यहाँ के सारे डाउट आप यहाँ देख लेंगे तो यार इससे बेहतर क्या हो सकता है। एंड यार विवेक सर मेरा सल्यूट है आपको, जिस तरीके से विवेक सर का जो काम करने का तरीका है उसको प्रत्येक व्यक्ति हो कोई भी उसे पसंद करता है, और इसी के लिए क्योंकि बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारा जो है वो आप जानते हैं क्या क्या किया है। तो री एग्जाम के लिए महाक्रांति बैच फ्री होगा, क्लास प्रारंभ जो है वो 14 मई से हो चुकी है, तो बिल्कुल आप देखिएगा 21 मई से पहले पहले आपको जो है ये बाय कर लेना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, ऐसा वैसा नहीं है, आपको ये एप्लीकेशन के माध्यम से ही अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे ही आप बाय करेंगे तुरंत वहीं पर एक्सेस मिल जाएगा आपको इस वाले बैच के लिए। अगर 21 मई के बाद में लेंगे तो भाई फिर ये जो पूरी चीज़ें हैं वो 499 रुपये के अंदर ही आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, तो क्यों ना हम सिर्फ इसे ले लें, ये फालतू में आपको एक साथ मिल जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, और देखिएगा पहले जो आपको मैंने 5 स्टूडेंट्स के लिए बोला था उनका काम हो चुका है, उनको मैसेज भी सेंड कर दिया जा चुका है। बहुत विद्यार्थी ऐसे थे जो मेल नहीं कर पाए थे मुझे, उसके बाद में वो कमेंट बॉक्स के अंदर ही अपना जो है वो बताने लगे, लेकिन उससे काम नहीं था, मैंने आपको स्पेशली बोला था मेल करना है। काम 5 विद्यार्थी थे, 5ों को हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि आपका जो 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 आपके प्रैक्टिस सेट है वो पहुंच जाएंगे, ठीक है, 1 से 2 दिन और लगेगा वो पहुंच जाएंगे, बाकी ये जो है वो अब लास्ट डेट एक्सटेंड करके 21 मई तक आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो 111 रुपये के अंदर आपको प्रैक्टिस सेट साथ ही में आपको एक बैच मिलेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिएगा आपको मैं दिखा देता हूँ ये जो है वो प्रैक्टिस सेट किस तरह के होते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके के ये जो प्रैक्टिस सेट हैं वो होते हैं, मैं ज़रा एक सेकंड इनमें से एक ले लेता हूँ। जैसे ये 4 नंबर का है, ठीक है, ये इस तरह का है, ये काफ़ी अच्छी जो इसकी क्वालिटी है एकदम बढ़िया क्वालिटी है, वैसे ही एकदम देखिएगा पेपर जैसे आता है आपका वैसे ही आपको फील आएगा। ये एक और बात बताएं, खाकी मतलब खाकी कवर के अंदर ये सारे पेपर आते हैं, जिस खाकी कवर के अंदर आपका जॉइनिंग लेटर आता है उसी कवर के अंदर आपका पेपर आता है। जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपको देखो OMR शीट देखने को मिलता है, पूरा यहाँ पर फिल करेंगे पूरा पेपर है, एंड साथ ही में इसके लास्ट में इसका जो है आंसर की दे रखा है कि भाई 150 क्वेश्चन के आपके क्या क्या आंसर रहे उनका मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन सारे सवाल है। देखिएगा एक और चीज़ देखिएगा, इसको लेटेस्ट बनाया गया है, यानी कि जब ये पेपर हुआ था तो उसमें पुलिस प्रणाली के सवाल बहुत आए थे, कथन निष्कर्ष के बड़े बड़े लंबे चौड़े सवाल आए थे, तो वो सब आपको इस पेपर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई शायद ही कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट होगा जिसके अंदर पुलिस प्रणाली को जो अपडेट किया गया है, जो ऐड किया गया है, ये यहां पर पहली बार आपको देखने को मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस सेट मुझे तो समझ में आता है अच्छा है, पढ़िएगा, और खैर आपसे बेहतर कौन जानता होगा, इसलिए अपना आप ध्यान रखिएगा। चलिए इससे संबंधित कोई भी नया एक और अपडेट आप कहेंगे तो दूसरे जिले का भी मैं आपको लेटर बता दूंगा,
ठीक है, लेकिन क्योंकि समय ज़्यादा नहीं मिलता है मुझे, इसलिए जब जब समय मिलेगा तब तक मैं आपके साथ आऊँगा। यदि अगर मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने आपको अगर ऐसा लगता है सिर्फ एक महीने में नौकरी मिल जाएगी तो आप ये सपना गलत देख रहे हैं। आपने अगर पहले से तैयारी कर रखा है, बस अब उसे आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो स्पीड बढ़ जाएगी, नंबर भी बढ़ जाएंगे, लेकिन आप कहेंगे साहब जब डेट आ जाएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे, तो मेरे भाई नौकरी न तो आज लगने वाली न कल लगने वाली। आपको पता रहना चाहिए कि जो विद्यार्थी दिन और रात लगातार जो दिन और रात पढ़ता रहता है, क्या उसको नौकरी मिलनी चाहिए कि जो एक घंटा पढ़ने के बाद में आया, देखो हमसे बड़ा जी एकदम दीवान जी कोई नहीं है, आपको नौकरी क्यों मिले? सोच के बताइएगा। जो विद्यार्थी लाइब्रेरी, घर, स्टडी, कहीं पर भी जहाँ समय मिल रहा है, जब जब समय मिल रहा है नौकरी करके, अपना जो भी प्राइवेट जॉब कर रहा है या घर में खेत में काम कर रहा है, फिर भी वो पढ़ रहा है, नौकरी उसको मिलनी चाहिए जिसको उसकी कद्र हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भाई आप ये अपने मन से भ्रम निकाल देना, और एक बार ये नौकरी, इतनी बड़ी नौकरी से अगर आप चूक गए तो फिर आप चूक ही जाएंगे। यार दोस्त, जितना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा उस सब के लिए सच में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।